हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में आप एडजेक्टिव का बेसिक चीज देखे थे, यानी कि एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन देखे थे, उसके कितने पार्ट्स हैं वास्तविक रूप में वो आप देखे थे कि एडजेक्टिव्स के दो पार्ट हैं। एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की जब बात होती है तो उसे हम लोग डिग्री कहते हैं, तो दोनों जो पार्ट है यानी कि एडजेक्टिव के जो दो पुत्र हैं दोनों का नाम डी से ही है। एक है डिग्री, दूसरा है डिटरमाइनर्स। तो डिग्री और डिटरमाइनर्स में फर्क ये है डियर स्टूडेंट्स कि डिग्री का फॉर्म चेंज होता है, यानी आप सुने होंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इधर जो डिटरमाइनर्स है ना, उसके पार्ट्स स्टैटिक फॉर्म में होते हैं। आज उसी पे हम चर्चा करेंगे कि स्टैटिक फॉर्म में रहने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं वो कितने हैं और किस रूप में आते हैं। पहले आज हम उस पे बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे। तो आज पहले हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव जो स्टैटिक फॉर्म में है, क्योंकि एडजेक्टिव पे ये दूसरा लेक्चर है, एडजेक्टिव पे ये दूसरा लेक्चर है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। ये जो एडजेक्टिव का स्टैटिक फॉर्म है, इसमें किसी किसी पुस्तक में 8 है, किसी में 9 है, किसी में 10 है, किसी में 11 है, किसी में 12 है। तो यानी कि आप देख रहे हैं सबसे पहले पर्सनल एडजेक्टिव है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़े थे, अब पर्सनल एडजेक्टिव भी आप अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि इसमें आप समझ रहे ना कि पर्सनल निजवाचक होगा, विशेषण यानी कि व्यक्तिगत विशेषण होगा तो पर्सनल में चला जाएगा। सेकेंड जो पार्ट है इसका, स्टैटिक पार्ट है, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आप देखेंगे कि सिर्फ क्वालिटी की बात होगी, यानी कि गुण की बात होगी। नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव, अब ये क्वांटिटी की है, क्वांटिटी यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि मात्रा की बात होगी। तो मात्रा वाचक जो विशेषण होता है ना, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि क्वांटी एक और टी होगा, क्वांटी और टी, क्वांटिटी यानी कि ये हो गया मात्रा, ये मात्रा वाचक विशेषण है, ये हो गया गुण यानी कि गुणवाचक विशेषण है, और ये जो है ना ये स्ववाचक विशेषण है या निजवाचक विशेषण है, या निजवाचक विशेषण है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो पहला है वो निजवाचक है, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है गुणवाचक है, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है मात्रावाचक विशेषण है, चौथा आप देख लीजिए फोर्थ नंबर में है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्या वाचक होगा। इसमें हम लोग नंबर इंडिकेट करते हैं, क्या करते हैं नंबर, तो उस सेंटेंस में नंबर पता चलेगा, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि नंबर का हिंदी तो आप समझ ही रहे होंगे क्या होता है, संख्या होता है, नंबर का हिंदी संख्या होता है। तो संख्या वाचक विशेषण पे हम बात करेंगे तो इस चौथे कैटेगरी में चला जाएगा। फिर देख लीजिए डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आप पढ़े होंगे, संकेत वाचक सर्वनाम पढ़े होंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं संकेत वाचक विशेषण पे, यानी कि ये विशेषण का काम करेगा संकेत वाचक विशेषण। इसमें जैसे हम लोग संकेत क्या क्या चीज से कर सकते हैं ये बात आप जान रहे हैं, हम लोग संकेत कर सकते हैं दिखाने वाला जो शब्द है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सच है, ये सब जो चीज है, ये सब जो वर्ड्स है ना, ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। कब करता है, जब ये नाउन से पहले होता है, जैसे दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक यानी कि दिस जो है ना नाउन से पहले है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और वही वर्ब से पहले होगा तो प्रोनाउन में चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं वितरक वाचक, यानी कि वितरक वाचक या वितरण वाचक, हम लोग इसमें बांटने का काम करते हैं। जब बांटने का काम करते हैं और बांटने वाला जो शब्द आता है तो हम लोग इस विशेषण की कैटेगरी में रखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे इच स्टूडेंट, इच वॉक, एवरी स्टूडेंट, तो ये सब जो वर्ड है हम आइदर नाइदर और ये सब वर्ड इसमें काम आता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में काम आता है, लेकिन नाउन से पहले रहेगा। आप बात समझ रहे ना कि नाउन से पहले रहेगा, वर्ब से पहले रहेगा तो चला जाएगा प्रोनाउन के कैटेगरी में, नाउन से पहले रहेगा, नाउन के क्वालिटी को बताएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। हाँ जी, उसी का बात कर रहे हैं।
अब आप देख रहे हैं ना नीचे है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, इसका मतलब होता है अ वर्ड व्हिच कम्स इन अ सेंटेंस टू रेज अ क्वेश्चन, यानी कि जब हम प्रश्न किसी से पूछते हैं या प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न सूचक शब्द जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्न सूचक शब्द, यानी कि जिस शब्द से हम क्वेश्चन, जैसे हु है, व्हाट है, व्हेन है, हाउ है, वेयर है, ये सब शब्द सेंटेंस में आके क्या करता है तो रेज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाता है और वो नाउन से पहले रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इस साइड, आप देखिए लास्ट में एक और जो इंपॉर्टेंट एक्चुअली इसके एट पार्ट्स हैं, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है यानी कि अधिकार, पोजेशन का मतलब आप जान ही रहे हैं क्या होता है, अधिकार होता है, यानी अधिकार सूचक शब्द अगर किसी सेंटेंस में आता है तो वो अधिकार वाचक विशेषण हो जाएगा, उसका हिंदी हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब जैसे दिस इज माई बुक, तो माई क्या हो गया ना, ये जो माई एक शब्द है ये पॉजेसिव वर्ड है, माई है, योर है, हुज है, फिर ये देयर है, देयर्स है, His है, her है, ये सब क्या है, ये सब जो आता है पोजीशन दिखाने के लिए सेंटेंस में तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है। यानी कि अभी जो हम बात किए बेटे स्टूडेंट्स, ये विशेषण का हम बात किए, इससे पिछली क्लास में पहला जो लेक्चर था एडजेक्टिव पे उसमें इंट्रोडक्शन और उसका जो बेसिक चीज था वो बताए थे, ये दूसरा क्लास है, दूसरा लेक्चर है इसके पार्ट्स का, यानी कि अब आप समझ गए होंगे। और देखिए इसमें डिटरमाइनर्स की कैटेगरी में एक दो और चीज ऐड हो जाता है, जैसे ए एन का यूज आप देखे होंगे, ये ए और ये एन जो है ना इसका यूज और द का, इसको आप आर्टिकल में पढ़े होंगे, नहीं ये बात सही है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ए एन द आर्टिकल के कैटेगरी में आप पढ़े होंगे, लेकिन ये भी जो अभी पद है ना आर्टिकल, ये भी एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए, हमेशा ये जो अभी पद है आर्टिकल ए एन द है ना, ये नाउन से पहले ही आता है, कहीं भी नाउन से पहले ही आएगा, नाउन के बाद इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो आपने तो देखा कि नाउन से पहले आने वाले चीज एडजेक्टिव हो जाते हैं, अगर स्टैटिक फॉर्म में हो तो डिटरमाइनर्स होगा, अगर वो ट्रांसफॉरमेबल मोड में हो तो फिर वो चेंजेबल मोड में हो तो फिर वो डिग्री हो जाएगा। तो हम अभी डिटरमाइनर्स का बात करते थे, ये भी ऐड हो जाता है, आ रही बात समझ में, तो काइंड्स इसके पार्ट्स बढ़ जाते हैं। तो हम लोग एडजेक्टिव का जो बेसिक पार्ट्स था वो आप समझ गए, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। फिर हम अगली क्लास में इसके डिटेल्स में बात करेंगे, एक एक करके हम बात करेंगे, जो आपको कभी एडजेक्टिव रिलेटेड कोई समस्या होगा ही नहीं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।